मेरा नाम राम्या गोवारीकर है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हूं। मेरी पूरी जिंदगी क्रिमिनल्स को पकड़ने में ही गुजरी है। किसी ने कोई भी गलती की हो उसे नहीं छोड़ती हूं। ऐसे बहुत से लोगों को मारा है मैंने, लेकिन उसको शूट करते वक्त मेरे हाथ कांप गए थे। वो क्रिमिनल ही है ये पता था, लेकिन उसको मारने का मन नहीं कर रहा था। मेरा पुलिस माइंड उसे मारने के लिए कह रहा था, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। ट्रिगर दबा नहीं पा रही थी। गोवा में एक क्रिमिनल मिला था मुझे, बच्चा था, वो 25 साल का भी नहीं हुआ होगा। उसकी लव स्टोरी के बारे में आपको बताना है। इस खून के पीछे एक कहानी है, उस कहानी में प्यार है। उसे प्यार से डर लगता था, लेकिन उस लड़की से बहुत प्यार करता था, उसके लिए मर भी सकता था। His name is Vasco da Gama। अब तक 3 केस हो चुके हैं। 3 केसेस होने पर पता है क्या होता है? राउडी शीट ओपन करते हैं। तेरे पापा कितने अच्छे आदमी थे और तू ये सब कर रहा है? ये स्मगलिंग छोड़कर शराफत से रहो, नहीं तो राउडी शीट ओपन करूंगा। क्यों रे, करूं क्या ओपन? हाँ, राउडी शीट ओपन कर दीजिए। क्यों रे, तुझे गुंडा बनना है क्या? गुंडों के साथ ही पला बड़ा तो उन जैसा ही बनूंगा ना। hey! मुंह तोड़ दूंगा। कांस्टेबल का जॉब दे रहा हूं, ईमानदारी से करना। सर, कांस्टेबल को सिर्फ 20,000 रुपए पगार मिलता है। क्या मिलेगा सर उसमें? माँ बाबा बीवी बच्चे पढ़ाई स्कूल फीस, इनके लिए बाहर गलत काम करना ही पड़ेगा। आप ही बताइए ना, हर पुलिस स्टेशन में गाड़ियों के लिए गवर्नमेंट जो पेट्रोल देती है वो एक हफ्ता नहीं टिकता। तब आप क्या करते हैं? लोगों से लेते हैं ना। पूरा महीना आपकी चाय और खाना भी उधारी पे ही चलता है ना। सर, गलत काम करना आपके डिपार्टमेंट में ही है। मैं छोटी छोटी गलतियां करके सीख रहा हूँ, फिर बाहर जाके कुछ करूंगा। तो क्या करेगा तू? क्या करूंगा पता नहीं सर, लेकिन बहुत बड़ा करूंगा। तेरे पापा मुझे बहुत पसंद थे, इसीलिए मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ। सर, अच्छा लगा, मेरे पापा के लिए आपके दिल में रिस्पेक्ट है, लेकिन मुझ पर एहसान करना है तो मेरे लिए वो राउडी शीट ओपन कीजिए। उसके बाद मार्केट में अपना सीन चेंज होगा। अरे अंकल, वो बोर्ड ला। जो मुझे कहना था कह दिया, और अब तेरी मर्जी। हाय, इसका फोटो ले लो, फोटो ले लो। सर, पूरी जिंदगी इसी के लिए मेहनत कर रहा था, अब मेरा करियर स्टार्ट होगा। गले लगिए सर। सर, अंदर से खुशी हो रही है, प्लीज गले लग जाइए। इसे लेकर जाओ। चल चल चल, फिर मिलेंगे सर। चल, दोबारा मिला तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। हे वास्को, साइकिल से बोनी करते हैं। चल। उस लड़की को देखकर लोग यही सोचते थे कि उसकी गर्लफ्रेंड है, उसका क्लोज फ्रेंड है वो। उसका नाम है एनी। क्या वास्को, भाई ठीक है रे? नानी, मैं आ गया। गुस्सा हो क्या? ये बता, क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? और क्या होगा, उनसे गलती हो गई, कभी अरेस्ट नहीं करेंगे। डिपार्टमेंट को माफ करो, ऐसा कह के स्टैंप मार के साइन करके बड़ा लेटर दिया है। सच बोल रहा है? हाँ? दिखा जरा। लेटर दिखा। हाँ, ये देखो, ये देखो। ये क्या, इतना छोटा? जेरॉक्स है ना नानी, इसलिए छोटा है। ओहो, तू बस
अच्छे से रह, अच्छे से कमाई कर और उन पैसों से हम सब लोगों का भला कर, ठीक है ना? नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे भला कर दूंगा, फिक्स हो गया। सच में? हाँ। क्या बात है, बहुत अच्छे। जीजा से बात कर ली, आ जाओ चल मिल लेते हैं। गोवा में बहुत गैंग्स और इलीगल बिजनेस, इंडियंस ही नहीं, ब्रिटिश, फ्रेंच, इटालियन, इजरायलीज और रशियन माफिया भी हैं। काया और सैमसन, ये दोनों भाई हैं, सामने नहीं आते पर दूर से बिजनेस ऑपरेट करते हैं। इस माल के लिए हम लोग 2 साल से प्लान कर रहे हैं। दिस इज माई ड्रीम बड़े, मेरी पूरी लाइफ इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। हिचावर्त, उस वक्त तुम लोग मुझे बहुत अच्छे से कोऑपरेट करना, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगा। माल आने के टाइम यहाँ पर ग्राउंड पूरा क्लियर होना चाहिए, हमारे जितने एनिमीज हैं त्यांच्यातून कोणीच नसला पाहिजे, एस्पेशली वो रॉड्रिगेज। तुम ठीक हो? निकल। बाइक निकाल। तू एक दिखाएगा तो मैं 2 दिखाऊंगा। नाम क्या है तेरा? तेरा नाम क्या है? क्या करता है? तू क्या करता है? मैं पैसों के लिए कुछ भी करता हूँ। और मैं भी। काम चाहिए तुझे? है क्या? डिलीवरी करोगे तो 10 दूंगा, 10%। डन। कार में आ जा, मैं अपनी बाइक पे आऊंगा। इसका नाम है रॉड्रिगेस। टीनेजर को ऐसे ही किडनैप करते हैं और उनसे धंधा करवाते हैं। कैलंगुट, बागा और पूरा ऐसे एरियाज इसके कंट्रोल में। उनके एरिया में अपना लड़का माल लेकर गया था, जिसे धोखे से कैद कर लिया है। तुम्हें उसे वहां से लेकर आना है। नाम क्या है उसका? चीको। चीको। चीको वही है क्या? वही होगा। ठीक है ठीक है, एटीट्यूड मारो, एटीट्यूड मारो। कितने दिन बाद मिला रे चीको? हमारे एरिया में माल बेचेगा? तुझे तो मैं। वास्को रुक जा, वास्को रुक जा, वास्को। ए, कौन है वे दुकान इन्हें? कितनी बार बोलना पड़ेगा तेरे को इधर नहीं आने का? अरे यार कोई बोलो ना उसको। ये हमारा एरिया है समझा? अरे गंदो, गंदो मेरे को, गंदो, गंदो। कुछ है तो इसको इधर ही पाता हूँ। देरी तो। कौन है ये बता कमीने? तेरी माँ का पति हूँ, तेरा बाप। Right?
सुपर यार, क्या फाइट करता है? नाम क्या भाई? वास्को डिगामा। वेलकम आवर न्यू गैंग मेंबर। दिस इज आवर गैंग एंड ही इज बाको। हाय। सेंटा इंजीनियर। रोजारियो आर पीआरओ। एंड बॉय, फाइनली वी हैव गर्ल इन आवर गैंग। एनी डी क्रूज। फुली ऑर्गेनिक एंड इको फ्रेंडली। वो इको फ्रेंडली नहीं है, नॉर्थ कोरिया की मिसाइल है। आई लाइक हर। पर मैं तुझे कुछ करने नहीं दूंगी। ऐसा कहने वालों का भी कभी कभी कुछ करने को दिल करता होगा। 50 किलो का माल है, साउथ गोवा डिलीवरी करनी है। बाइक पर मत जाना, सिक्योरिटी काफी टाइट है। वो मैं देख लेगा, काम हो जाएगा। 50 किलो का माल तेरे भरोसे पर दे रहा हूं, अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो खत्म कर दूंगा तुझे। अब उनसे गलती होता ही नहीं है। कैसे भरोसा करूं तुझ पर? भरोसा तो तुम करते हो भाई, इसीलिए तो इतना माल हाथ में रख रहे हो। लेकिन भाई, ये 50 किलो 100 किलो से कुछ नहीं होगा। कुछ बड़ा काम है तो बता, अपने को पैसा चाहिए। किस लिए? मेरी फाउंडेशन। वो कहां पर है? अब तक बना नहीं है। आपने पैसा दिया तो रजिस्टर कर दूंगा। मेरी कौन है पता आपको? अपनी नानी। अपुन अपनी नानी लोगों के लिए घर बनाना चाहते हैं। मजा आ रहा है। हे, आओ। यू फ्रेक मी या? हाय, हेलो। हे, जॉन। हाँ। ओके बाय। आई नीड टू गो, माय फैंस आर वेटिंग। क्या तुम्हारे फैंस भी हैं? Excuse me, Mr. John. Do you even realize your wife is a celebrity? अभी Facebook page open करूंगी तो शादी के लिए कितने लोग पूछ रहे हैं देख लेना। एक बार करने को बोलो, फिर उन्हें पता चलेगा। अच्छा, तुम्हारा प्रोग्राम कब तक खत्म हो जाएगा? मैं आके पिकअप कर लूंगा। 3 hours maybe. क्या कहा? 3 hours? बहुत कम है ना, I know. अच्छा ठीक है, प्रोग्राम जल्दी करो, फिर साउथ गोवा जाना है, वो भी तुम्हारे साथ। ये जॉन जी की फैमिली है, साउथ गोवा के। मोनिका, कम डार्लिंग। Hi ma'am. Hi. I'm a big fan of you. Really? Yes ma'am. I just love you. Your songs. Thank you so much. What's your favorite song? All songs ma'am. Oh. Thank you dear. Thank you. So sweet of you. Nice girls by the way. Thank you ma'am. One second huh? Monica? Huh? Monica come here. She's Monica. Hi. She is Annie. Hello. Nice to meet you. She's my very big fan. And I'm a drummer too. Oh really? Yeah. Then why don't you join us? Oh yeah. Are you sure? Yes. Yes. And get sure. the kick too. Damak dama dum. Get it. Get it. Perfect. I'll be right back. Get it. Hey Sinha, are you okay with this run order? Dholak ya tabla, jo bhi mile wo lekar aa. Congo lekar aata. 10 kilo fit ho jayega. वो लड़की कौन है? She is my die hard fan and also a drummer. और तुम्हें पता है वो भी साउथ गोवा से है। बेबी, why don't you come with us? Come in, come in. Hi. Sir, sir, sir. चलो चलो इसे हटाओ। बाय बाय गाइस, सी यू।
कुछ नहीं है सर। एनी कम ऑन इन। नो आई विल लीव। हे एनी। नमस्ते जॉन जी। क्यों रे तुम यहाँ, यहाँ क्या कर रहे हो? सर उस दिन आपने जो बोला उसके बारे में सोचा अपन। आपने जो बोला करेक्ट है सर, अपन ने लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, अपन इवेंट मैनेजर बन गया, बहुत खुश है। गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। बाय द वे शी इज कैथरीन, ये मोनिका। हेलो। हाय। हग करना है क्या? अभी ये सब छोड़ो, बहुत हो गया। फ्रेंड है, व्हाट्स रॉन्ग? कैथरीन एक बात कहूँ, आपकी बहन की वॉइस आपसे अच्छी है। अरे वो बहन नहीं है, भाभी है। क्या? हाँ, तुमने क्या सोचा? सर मुझे लगा ये दोनों आपकी बेटी हैं। ओ, ऐसा क्या? चोट्री, हेलो। एक्चुअली सब लोग ऐसा ही सोचते हैं। हेलो वास्को। वास्को, VASCO। थैंक यू सो मच। कैथी, या जब अगली बार मिलेंगे ना, हाँ प्रोफेशनली मिलेंगे। श्योर। आपका कार्ड है क्या? श्योर श्योर, इट्स फॉर यू। हाँ थैंक यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। कैथी बाय, गो एंड रिलैक्स। आई एम गोइंग, शट अप, बाय बाय। एनी ड्रॉप कर देता। अरे तुम्हारा कॉन्गो। रुको इधर आओ। तुम सच में बदल गए हो ना? सच में बदल गया हूँ सर, आपकी कसम। मेरी कसम क्यों खा रहे हो? सच में तुम बदल गए हो। ओके सर। ओके बाय। बाय सर। बहुत ब्यूटीफुल है रे। कौन? कैथरीन। अरे चुप, मोनिका। आहा, नहीं तो एक बार देख ले, पता चलेगा। हाँ एक बात बताओ। फर्स्ट मीटिंग में ही हम दोनों की आंख से आंख मिल गई। डाउट है तो देख, अभी अपने को पीछे मुड़ के देखेंगे। अबे लड़की सिग्नल दे रही है। आई लाइक दिस एनिमल। वाह, थैंक यू भाई, तुम्हारी स्पीड अच्छी लगी। थैंक यू। आई वाना गिव यू अ गिफ्ट। वाह, ये अपने लिए है भाई। ऑपरेट करना आता है क्या? उसमें क्या है, ऐसे लगा के शूट करने का। भाई ओरिजिनल है क्या? वर्जिन भी है। ऐसा क्या? भाई आपको एक बात बताऊं, ये गन और अपुन दोनों का भी फायर नहीं हुआ है। सच में नहीं किया? बच्चा रे तू बच्चा। भाई एक दिन ये बच्चा सबका बाप बनेगा। चुप जा। किसी तरह रॉड्रिगेस को मारने का सैमसंग का प्लान फेल हो गया था। वास्को ने रॉड्रिगेस की जान बचाई थी, उस प्रोसेस में फर्स्ट मर्डर किया था। तू ऐसे हंस क्यों रहा है बे? भाई अपुन का पहला मर्डर, ताली बजा रहा है। हेलो। हेलो, दिस इज वास्को डी गामा स्पीकिंग। कौन बात कर रहा है? व्हाट यू वांट? वही लड़की है, अपनी वाली। कैथरीन। कैथरीन, ये लो फोन। वास्को डी गामा है। रियली? कैथी जी कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, और तुम? आपके फैंस यहाँ झगड़ा कर रहे हैं, आपको फिर से यहाँ आके गाना गाना होगा और जॉन जी को ही आपको ड्रॉप करना होगा। बेबी आई लव म्यूजिक, आई हैव डिवोटेड माय लाइफ टू माय फैंस एंड यू नो आई एम कमिंग। लेकिन एक रिक्वेस्ट है। व्हाट? कड़क ड्रेस पहन के आइएगा, लास्ट टाइम वो रेड डाला था ना, वो सुपर था। इतना नोटिस करते हैं क्या? हाँ। मैं तुमसे फ्रेंकली एक बात पूछती हूँ, लेकिन सच बताना पड़ेगा। ओके हाँ पूछिए ना। वो जो लड़के है ना, अब वो मुझे देखकर रिएक्ट करेंगे या मोनिका को देखकर रिएक्ट करेंगे? हाँ? ए
जब हमारे पास कैथरीन है तो फिर हम कटरीना या फिर करीना को क्यों देखेंगे? आपके फैंस को आपके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तुम ऐसे ही फोन करते रहा करो, सच में बहुत अच्छा लगता है मुझे। It feels so good. करेगा ना? See you tonight. Thank you. Bye. ये 40 किलो खत्म करने का है तो इसको डेली शो करना पड़ेगा। बस एक बार वो मोनिका मेरे पास। मुझे क्यों बता रहा है बे? उससे ही पूछ। What do you want? पूछ रही थी ना वो? हम्म? जा बात कर। हम्म? पूछता है। कदी एनार? कल शाम में। ठीक है, देख लेते हैं। क्या हुआ भाई? लोड आ रहा है रे। बिग लोड इज कमिंग। अपन का टाइम बदलने वाला है। पैसा कितना मिलेगा भाई? करोड़ों रुपए एनार रे। करोड़? वाओ। वी आर गोइंग टू बी द बेस्ट प्लेस ऑफ दिस कंट्री। हेलो Customs office? Yes. Sir, I have a secret information for you. Germany से cargo ship आ रही है. Containers भरे हुए हैं. Lottery लग जाएगी. कब आ रही है वो ship? Today evening. Samsung, Kaya, Matash. आपने दिमाग चला के उसका माल तो पकड़वा दिया, लेकिन वही माल अपने को कैसे मिल सकता है ये नहीं सोचा। क्या कहा? अगर ठीक से प्लानिंग किया तो वो कंटेनर अपने पास आ सकता है। लेकिन कैसे? I called the police and informed. Ship is on the way and police is waiting on port. इसके बीच में क्या कर सकते हैं? 10% देंगे तो अपन बताएगा। hey, तू मेरे लिए काम करता है। आइडिया बोल। 10% दोगे ना? माल कितना है पता है तुझे? It's huge. इसीलिए तो 10% मांग रहा अपन। पता है रोड पर था तू? वहां से लाकर मैंने तुझे काम दिया है, तू मुझसे कमीशन मांगता है? अब 30%। अभी देता हूं तुझे। ये ले। आइडिया बोल। जोक किया? अपने पास कोई आइडिया नहीं है, ये तो बस ऐसे ही जोक किया। मुझे पता है तेरे पास आइडिया है, जल्दी बोल। अरे भाई अपुन मजाक किया। मजाक है भाई, सच कह रहे हैं अपुन। यकीन करो ना, सच कह रहा है। जस्ट गेट अप, मेरा बंदूक वापस दे। चलो उठ। यू बोथ आर आउट ऑफ माय गैंग, गेट आउट। चल वास्को। गैंग सोचा साथ काम करेंगे लेकिन हुआ नहीं। कोई बात नहीं, मिस यू, पीस आउट। तूने उससे अभी झगड़ा क्यों किया? अरे अपुन ने क्या किया, अपुन तो बस डील कर रहा। झगड़ा तो उसने किया, पर उसने तो हमें गैंग से बाहर निकाल दिया ना। अब हम क्या करेंगे? कंपनी खोलेंगे। फैसला हो गया, सीईओ तू ही होगी। मैं? हाँ। सीईओ? हाँ। टेक केयर, आई विल मिस यू। आई विल हेल्प यू। अनी ये किधर जा रही है? मोनिका कहाँ जा रही है? ना 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 ना, मुंबई मेरी जान। मुंबई जा रही है? हायर स्टडीज के लिए। वापस कब आएगी? नहीं आएगी, शायद आएगी, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? आई मीन एक साल तक तो वो यहाँ नहीं आने वाली। आज से मैं हूँ सोलो, देयर इज नो कॉम्पिटिशन। कॉल मी व्हेन यू आर फ्री, आई मीन For the, you know, programs. Bye, bye. Na 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 na. ये मोनिका तो मुंबई चली गई। इसे कैसे जाएगी? चल। अंकल, गाड़ी रोको, रोको, रोको। अरे रोको। यहाँ बैठिए। तू जा रही है क्या? अगली बस में चली जाना। अरे क्या करूं, एक घंटे बाद चली जा। अच्छा ए भाई, तुम बस में आ रहे हो, किस लड़की को लेकर जा रहे हो? एक मिनट रुकना, एक्सक्यूज मी प्लीज, अब आप जरा पीछे जाएंगी। व्हाट डू यू वांट? एक काम करते हैं, अपन तेरे साथ मुंबई आएगा।
एक रात वहां रहेगा, कल सुबह वापस आ जाएगा। क्या बोलती है? क्या काम है? कुछ बात करनी है क्या? बहुत क्या करनी है, रात में वहां रुकेगा, सुबह वापस आ जाएगा। ए, तुम तो बहुत खतरनाक हो भाई, बस से उतरो पहले। अरे अपुन क्या बोल रहे, उतरो, समझ में? उतरो, अरे, सुन, उतरो, सुन ना, मैं क्या उतरो, बोला ना, उतरो, चलो चलो। क्या लड़की है, स्टुपिड। दो घंटे में शिप आ जाएगी, मेरा ब्रेन काम नहीं कर रहा है। तेरा आइडिया क्या है, जल्दी बोल। अभी अभी कंपनी स्टार्ट किया, तू कंपनी के एमडी से बात कर रहा है, आइडिया तो बताएगा, लेकिन जो मिलेगा वो 50-50, नहीं तो सारा माल पुलिस लेके जाएगी। ओके, अभी बोल। शिप पे तेरा कोई आदमी है? एक आदमी है। कंटेनर के अंदर कितना बॉक्स है? बहुत सारे। उसे कांटेक्ट कर, कंटेनर ओपन करने बोल, उसमें से चार बॉक्स लेकर दूसरे कंटेनर में रखने को बोल, और उस कंटेनर का नंबर क्या है वो बोल। CRSU 147670। हेलो सर, सुनिए, जर्मनी से एक शिप आ रहा है, उसके एक कंटेनर में माल छुपा है। कंटेनर का नंबर लिखिए। बोलो, आप कौन बोल रहे? वेल विशर। शिप के सब कंटेनर चेक करने के लिए उन लोग को चार दिन लगेंगे। अभी मैंने कंटेनर का नंबर भी बता दिया है, वो कस्टम वाले वो चार बॉक्स ओपन करके उसको रिकवरी में डाल देंगे, बाकी कुछ चेक नहीं करेंगे। बस वो कंटेनर अपने पास आ जाए तो खेल खत्म। एक अनजान आदमी ने इन्फॉर्मेशन दिया सील। और उसके बाद कस्टम्स वालों ने जर्मनी से आए हुए एक कार्गो शिप पर रेड की है, और कस्टम्स वालों को एक कंटेनर में चार बॉक्सेस मिले हैं, जिनमें उन्हें स्मगलिंग का माल मिला है। चार बॉक्स मिले बोल रहे हैं भाई, बाकी का कहाँ गया? पुलिस नहीं उसको लिया होएगा, नॉट डाउट। अखा इंडिया में ऐसा ही होता है, पता है? इधर ना आंखें बंद किया या सर घुमाया या थोड़ा मुड़ गया तो उतने देर में सारा का सारा माल लंपास कर डालते हैं ये लोग, बहुत कमी नहीं होते। भाई, मेरी फाउंडेशन का गाड़ी आ गया, आप जरा उठेंगे तो माल लेके जाता हूँ। सच बताऊं भाई, इतना माल होगा अपन सोचा नहीं था। अपने को पता है आपको 50-50 जमेगा नहीं, तो 50 नहीं, जो पहले बोला वो फाइनल, 10% दे दीजिए बस। तेरे इस वाहियात आइडिया के लिए 10% ही बहुत ज्यादा है। नियत फिर गई आपकी, देने का मन नहीं कर रहा ना, डिस्काउंट देने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। ये बोल रहे थे आप कमीने हैं, अपन सुना नहीं। बिल्कुल मैं कमीना हूं, ये सब मेरे बारे में सही है। रोड्रिगस गलत कर रहा है, तू तू क्या सोच रहा है बे, इतनी आसानी से दे दूंगा? तेरी तो किसी को हिस्सा चाहिए क्या? आज से अपन इधर का बॉस है, समझे क्या? और किसी को हिस्सा चाहिए क्या? ये तूने इसे मार दिया, हम सबको मार देगा क्या? अभी अपना बात सुनो, इसमें से आधा अपन का और बाकी माल तुम्हारा।
शांत हो जाओ। बिना मेहनत किए इतना बड़ा जैकपॉट हाथ लग गया, लेकिन ये बात सैमसंग को पता चल गई तो सबको उड़ा देगा। इसीलिए माल के बारे में झूठी कहानी बनाएंगे। ओके ओके। अपना बॉस रॉड्रिगस सारा माल लेके भाग गया, अपने को यही कहानी बतानी है, समझ गए? अंदर ही रहता बड़े बाद में रहता। आमीन। वो रॉड्रिगस कैसे दिखाई नहीं दे रहा है? बताओ वो कहाँ गया? माल माल कहाँ है बोलो? मुझे कुछ नहीं पता है सैमसंग सर, मुझे छोड़ दो। तुम सबने मिलकर कुछ किया होगा, माल उसको दे दिया है ना? कहाँ गया वो? बैठो सर, बैठ के बात करेंगे, बैठो ना। कौन हो तुम, बोलो। अब उनका नाम वास्को डी गामा, वास्को डी गामा अल्बर्टो, इंस्पेक्टर बदानी सर। 12 साल पहले इधर एक मैटर हुआ था, आपके डिपार्टमेंट में एक शरीफ पुलिस ऑफिसर था, तब आप हेड कांस्टेबल थे, कुछ याद आया? देखो आज भी मुझे घर आने में काफी लेट हो जाएगा, तुम चली जाओ। ठीक है, आप खाना खा लीजिए। बड़ानी सर, जाके वैन को चेक करो। सर वो लोग आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है। नमस्ते सर। गाड़ी में क्या है? आओ ना सर, बैठ के बात करते हैं। गाड़ी में क्या है? कितना चाहिए सर? तू मुझे रिश्वत देगा तेरी तो? सर बात करते हैं ना सर। पुलिस को क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? सर नहीं सर, मैं बात करता हूँ, साहब को कुछ मत करना। साहब ये लोग माल दे रहे हैं, गाड़ी को जाने दीजिए, हम लोग बाद में सलटा देंगे, अभी इनको जाने दीजिए। रुक जाओ। अलेक्जेंडर अपुनस अलेक्जेंडर का बेटा है, जो होमगार्ड मारा गया उसकी बेटी एनी। अपने को पालने के लिए अपनी नानी ने बहुत मेहनत किया, खाने के लिए खाना नहीं था, छोटी सी झोपड़ी में रहता था अपन। किसी ने मदद नहीं किया, डिपार्टमेंट ने भी कुछ नहीं किया, इसीलिए क्राइम डिपार्टमेंट ज्वाइन किया अपन। अपना बॉस रॉड्रिगस माल लेके भाग गया, अभी अपन ही गैंग संभाल रहे हैं सर। मांडवली कर लेंगे तो अच्छा रहेगा सर, अपन बाहर का आदमी नहीं है सर, अपन भी डिपार्टमेंट का ही है। मेरी फाउंडेशन, ये अपन का फाउंडेशन है,
जब भी अपुन की गाड़ी चेक पॉइंट पे आएगी तो जाने दीजिए। आप भी खुश, अपुन भी खुश। बच्चों ने मिलकर छोटा सा बिजनेस शुरू किया है, हमें आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। अपना नाम वास्को डी गामा, वास्को डी गामा अल्बर्टो। लोग अपने को बच्चा बोलते हैं, लेकिन एक दिन ये बच्चा सबका बाप बनेगा। पहले जब सपने देखते थे तो सपनों से डर लगता था, लेकिन अब हम सपनों को डराएंगे। यही अपना मकसद है। कर लो या मर लो, कर लो या मर लो, या मर लो। कर लो या मर लो। अपना नाम इन बच्चे लोगों के पास इतना पैसा कहां से आया होगा, समझ में नहीं आ रहा है भाई। कोई तो जैकपॉट मिला होगा कमीनों को। ये दुनिया एक जंगल है, यहाँ सब जानवर है, अपुन भी एक जानवर है। नो रूल्स इन जंगल। जंगल में लोमड़ियां बढ़ गई हैं, अपने को पसंद नहीं है, मार देगा एक एक को। काट देगा तेरे को। कर लो या मर लो, मार। बाबा, सारी दुनिया पेट की भूख मिटा रही है, रोटी कपड़ा मकान। कर लो या मर लो, मार दूंगा बे, मार दूंगा सबको। उठो, भागो, जिंदगी सोने के लिए नहीं है रे, मरने के बाद सोना कौन रोकेगा तेरे को, कौन रोकेगा तेरे को। एवरेस्ट बनाई है चढ़ने के लिए तो चढ़ जा। Game. What you give is what you get. अपना नाम, अपना नाम वास्को डी गामा, गाऊंगा सारे गामा। सुनो, अगले क्रिसमस तक तुम सब अपने अपने घर जा सकते हो। हमारी कॉलोनी में स्कूल भी बन रहा है, फिर हमारे बच्चे यहीं पढ़ेंगे, सब उस स्कूल में जाएंगे, ठीक है? ये वापस कब आ गए? अपन टेंशन में इसको भूल ही गया था। मोनिका, ओए, वापस कब आई? मोनिका, अरे मोनिका, रुकना, कब आई वापस? कब तक भागेगी? कैथरीन, कैथी, कैथरीन। तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वास्को के गैंग में से किसी ने नशे ने सबको सब कुछ बोल दिया। फिर वास्को को नई प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। रॉड्रिगेस नहीं किया, क्या बोलता है तू? इन बच्चे लोगों की गैंग ने हमारा माल चुरा लिया है, कंटेनर माल। कितना कमाया होगा? सोचते ही मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है मुझे। हमारा माल अब भी उनके पास है क्या? तो अभी वो माल किधर होएगा रे? उसके गैंग में से किसी को लेके आ रहे?
कौन है तुम लोग? क्या कर रहे हो? जान से मार दूंगा। तेरी सुहागरात थी, तेरे को मार दिया होता तो। छोड़ इसको। नहीं, आई लव यू। कितनी लड़कियों को आई लव यू बोलेगा? आज के बाद उस लड़की को भूलेगा या नहीं? भूल जाऊंगा। भूलेगा क्या? नहीं भूल जाऊंगा ना। अपने को भी मोनिका बहुत पसंद है, अपन सीरियस है क्या? लड़की को मना नहीं कर रहा, प्यार करने को मना कर रहा है। ए, कोई लड़की नहीं और कोई प्यार व्यार नहीं, कम्प्लीटली लड़कियों को भूल जाओ, समझे? अबे ऐसे कैसे होगा, लड़की तो अपना कमजोरी है रे। तुम सारे मर्द कमीने ही होते हो ना? हाँ है, सब कमीने, लेकिन तुम भी कम हो क्या? लड़कियाँ भी वही होती है। हा? कमीनों का परसेंटेज निकालो, लड़का लड़की दोनों सेम है। अरे बोल ना, कुछ नहीं पता है। मेरे माल के साथ तुम लोगों ने क्या किया? चल बोल। ऐसा क्या? ए, नहीं पता तेरे को? नहीं पता क्या? नहीं पता? बहुत अच्छा लड़का था, हंसते हंसते बात करता था, तुम्हें बहुत पसंद करता था। वो पैसा चाहिए था तो अपुन से मांगता। सैमसंग को क्यों फोन किया? क्या कहा? सैमसंग को मैं फोन क्यों करूंगा? किसने बताया तुमको? क्या बात कर रहे हो, मुझ पर शक कर रहे हो क्या? मेरा कोई कैरेक्टर नहीं है क्या? पैसों के लिए नहीं जीता हूं मैं। सर, ना अपुन इतना बेवकूफ है और ना ही आप इतने शरीफ। इधर सब लुच्चा लोग हैं। तुम होगे, मैं नहीं। आपने फोन किया था, ये आपके कांस्टेबल ने बता दिया। सुनो सैमसंग, वास्को का आदमी लोड लेकर जा रहा है, व्हीकल नंबर बताऊंगा, कितने दोगे? कौन है वो? किसी ने कह दिया तो यकीन कर लोगे मैं इंपॉर्टेंट हूं या फिर वो? क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं पुलिस को मारना चाहिए या नहीं। क्या तुम मुझे मारोगे? मुझे मारेगा तू? क्या करे सर, डिपार्टमेंट के कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। मेरी फाउंडेशन का सवाल, अगर पुलिस भी बीच में आ जाए तो अपन छोड़ेगा नहीं। गलती हो गई, तेरे पैर पकड़ता हूं। गला पकड़ने वाले को छोड़ सकता है, पैर पकड़ने वाले को नहीं छोड़ सकता। ऐसा मत कहो, मुझे पता है कि मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारे लिए एक बैग लेकर आता हूँ, अभी लाता हूँ। वास्को का सोचना बिल्कुल सही था, अच्छा हो या बुरा। पुलिस को किसी ने अगर मार दिया है तो डिपार्टमेंट उसे छोड़ेगा नहीं। इसी तरह के एक केस के लिए मुझे गोवा बुलाया गया। मेरा नाम राम्या गोवारिकर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ड्यूटी ज्वाइन करने से लेकर अब तक 482 बुलेट्स सिर्फ बॉडी पर मारी हैं। उनमें से दो बुलेट्स पुलिस वालों को भी मारी थी, एक छाती पे, एक पिछवाड़े में। गलती करने वाला पुलिस होगा तब भी नहीं छोड़ूंगी। एसीपी रम्या गोवारिकर, स्पेशल ऑफिसर, इसके बारे में मैंने पता लगाया।
पूरी सन की है ये, और खासकर हम लोगों के लिए इसे यहाँ भेजा गया है। अब से डिपार्टमेंट हमको सपोर्ट नहीं करेगा। एसीपी ने चेक पोस्ट पे सारे स्टाफ को बदल दिया। अब उस चेक पोस्ट को भूलकर कोई और प्लान बनाना पड़ेगा। ए इंजीनियर, चला। एक चूहे से इंस्पायर होकर वास्को के दिमाग में एक आइडिया आया था अंडरग्राउंड टनल बनाने का। यह आइडिया नया नहीं था। शिकागो में अल कपोन, मेक्सिको में एल चैपो, कुछ साल पहले ही वहां ऐसे टनल्स बनाए गए थे। पर ऐसा ही टनल गोवा में बनाना हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए नया था। 6 फीट हाइट में 1 किलोमीटर टनल बिल्ड करना, इट्स नॉट सो इजी। इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज्यादा जरूरी था। वास्को डी गामा इज द इशू। उसने बदानी को मारा है, मुझे वो चाहिए। उसके रिकॉर्ड्स कहाँ हैं? उसके रिकॉर्ड्स नहीं, उसे किसी ने नहीं देखा है। उसका नाम पता है ना? हाँ। जाकर पकड़ो। मैडम, वो क्या है कि वास्को डिगामा यहाँ का कॉमन नेम है। हर गली में एक वास्को डिगामा मिलेगा, और यहाँ तक कि हमारे गोवा में रेलवे स्टेशन का नाम भी वास्को डिगामा है मैडम। जैसे श्रीनु नाम के 100 लोग होंगे ना, ये भी ऐसा ही है मैडम। कोई व्हीकल छूटना नहीं चाहिए, सबको चेक करो। ओके मैडम। नाम क्या है? अल्बर्ट। हेलमेट निकालो। कहाँ छुपा होगा वो? लाइसेंस। मैडम, आपको मैं याद हूँ, मैं आपके ऑफिस आया था। मेरे बाबा सब इंस्पेक्टर थे। कौन से स्टेशन? कंडुलम स्टेशन में। मैम, आपका ऑटोग्राफ मिलेगा, मैं फैन हूँ। मैं कोई फिल्म स्टार नहीं हूँ। यू कैन गो। लाइसेंस। अभी वो वास्को हमारे हाथ से निकल गया भाई, चेक पोस्ट से मिस हो गया वो। आपला टाइम अभी अच्छा नहीं है रे, वो तोता भी यही बोल रहा है। अरे क्या तोता कर रहे हो? इन सब बात पे अपना भरोसा नहीं है, पर अब तक उसने जो भी बोला वो सब करेक्ट हो गया है। अपन जो बोल रहा है वो सुन, आज अपन उसे मार के ही घर आएगा, समझा? ए तोता, मना कर रहे ला है। ए काया, ए कोई तेरे को बुला रहा है, जरा देख तो। ए, 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 भाई, भाई, भाई से। भाई। ए, वो गन साउंड किधर से आया? वास्को डी गामा कॉमन मैन है ना, तुमने उसे कभी नहीं देखा। ये फोटो तुम्ही ने ली थी ना? ये यस मैडम। फोटो लेने के बाद रावड़ी शीट क्यों फाइल नहीं की गई? इसके फादर अलेक्जेंडर थे मैडम, हमारे डिपार्टमेंट से ही, बहुत सिंसियर ऑफिसर थे। उनका मर्डर हुआ था। पहले ये गलत काम करता था मैडम, लेकिन मैंने इसे बदल दिया। इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, इसीलिए रावड़ी शीट फाइल नहीं की। अभी ये इवेंट मैनेजर का काम कर रहा है और अच्छी जिंदगी जी रहा है। He is very close to my family. कभी कभी वो मेरी वाइफ से फोन पर बात भी करता है। कल चेक पोस्ट पर उसने अपना नाम गलत बताया था, रॉन्ग आईडी दिखाया था, उसके पापा जिंदा है बताया था। उस पर कैसे ट्रस्ट करूं मैं? वेयर इज योर वाइफ? ये स्ट्रिंग भी ना। नमस्ते मैडम, आपके बारे में बहुत सुना है, मेरे हस्बैंड ने आपके बारे में बताया था। वास्को को फोन करो। क्या कहा? वास्को को फोन करो और पूछो कि वो कहाँ है। क्यों, क्या बात है मैडम? कोई इवेंट प्लान कर रही हैं आप? रिकॉर्डिंग डांस। रिकॉर्डिंग डांस, वेरी इंटरेस्टिंग, करती हूँ। उठा लो, फोन उठा नहीं रहा है। मोनिका कहाँ है? I mean, you have mistaken. Vasco is a gem of a guy. बहुत अच्छा लड़का। मोनिका कहाँ है? हाँ?
सैमसंग भाई, ये सब गोलीबारी किस लिए? मेरे भाई को मारा तूने, मेरी जिंदगी को खत्म कर दिया रे तूने, मेरा माल चुराया रे तू। वो माल के बारे में अपन भूल गए, आप भी भूल जाइए। वो माल करोड़ों का है। तो अब क्या करोड़ों के माल पे ब्याज लेने के लिए आया है? चला रहा है। सिर्फ लड़की की वजह से पकड़े गए। सभी की वीकनेस औरत है। वो इस लड़की से सच्चा प्यार करता है तो जरूर मिलेगा, लेकिन प्यार करता है या नहीं ये नहीं पता। लेट्स सी। टुडे शूटआउट एट एरंबोल बीच लेफ्ट मेनी कैजुअल्टीज। Police are trying to catch the gangsters behind this. मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इतना बड़ा गैंगस्टर हो गया। हमारे पहुंचने से पहले ही भाग गया। क्या कह रहे हो जॉन? इन दोनों के बीच कुछ चल रहा था, मुझे पता भी नहीं चला। ये सब प्लान्ड था। मोनिका कहाँ है? मैडम इंट्रोगेट कर रही है, मैं बाद में कॉल करूंगा। So, वो गैंगस्टर है ये तुम नहीं जानती? नहीं पता था। उसका घर कहाँ है ये पता है क्या? पता नहीं। उससे प्यार करती हो ना? I don't know. Hey! तुम क्या छोटी बच्ची हो? जब कुछ भी पूछने पर कहती हो कि पता नहीं, बिना पता किए उसके साथ चली गई थी क्या? बोलो, कब से चल रहा है ये अफेयर? अफेयर अब तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है, आज ही फर्स्ट डे था। फिर क्या किया तुम लोगों ने? बातें कर रहे थे। क्या बात करता था वो? मैं ही उससे बातें कर रही थी। क्या बातें करती थी तुम? लस्ट के बारे में बात कर रही थी, प्यार के बारे में बात कर रही थी, दोस्ती के बारे में बात कर रही थी। तो इतनी सारी बातें करती थी तुम? हाँ। मैडम, कम इन। क्या है? मैडम, हो गया तो मैं मोनिका को लेकर जाऊं? मैं नहीं भेज रही हूं इसे। छोटी बच्ची है मैडम। क्या कहा? ये छोटी बच्ची है? इससे बात करने के बाद लगता है कि मैं छोटी बच्ची हूँ या ये छोटी बच्ची है? मैडम, ये मेरी बहन है। तेरी बहन उसके साथ घूम रही थी, तुम्हारे वाइफ के स्वीट हार्ट के साथ। तुम सब मिलकर उसके साथ गाना बजाना करते थे। पहले तुम सबको अंदर करना चाहिए। बाहर जाओ, जाओ। क्या कर रहा है?
मोनिका किधर है? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? तुम जब मुंबई जा रही थी तो तुमने अपने को बताया क्या? तुमने अपने को पूछा नहीं और अपुन ने बताया नहीं। कहाँ लेकर जा रहे हो? ड्रॉप करने के लिए। करने के बाद? चला जाऊंगा। कहाँ जाओगे? जाऊंगा। फिर मुझसे मिलोगे क्या? अभी तू अपनी शक्ल नहीं देखेगी, अपने को पता है। क्यों नहीं देखूंगी रे? इस चेहरे को ही देखकर मैंने प्यार किया है और इसीलिए तुम्हारे साथ आई हूँ। तुम केडी हो या राउडी, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर से मिलना चाहो तो मिलो, मैं दूसरी लड़कियों की तरह डरूंगी नहीं। दीवार तो मैं भी कूद सकती हूँ, तुम डिपार्टमेंट के लिए ही नहीं मेरे लिए भी मोस्ट वांटेड हो। चल बे कमीने। मोनिका यहाँ आओ। हे मोनिका, 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 मोनिका रुको, मोनिका चुप। क्या कर रहे थे तुम लोग? ठोक देना चाहिए था ना उसे। मोनिका, वो जब उसे यहाँ से लेकर जा रहा था तब क्या कर रहे थे तुम लोग? वो आके लेकर गया था, ये मेरा प्लान नहीं है। फिर से आप लोग गलत सोचेंगे, ये सोचकर यहाँ आई हूँ। वो मुझे क्यों लेकर गया, क्यों छोड़ा, उसको ही पता नहीं है। कहीं और लेकर जाएगा सोचा था, घर में ही छोड़कर चला गया। जॉन, तुम अपनी बहन को लेकर घर जाओ। जॉन, मोनिका को एक रात स्टेशन में रखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। देखो अब मैं क्या करती हूँ। हैप्पी हैप्पी मैं हुआ, दिल खुश गम गए पीने के बाद, पीने के बाद। होते हम तो राजा स्वर संगीत में, पीने के बाद, पीने के बाद। ए इश्क न कर कभी तू, मुश्किल है ये बंधु, ये इश्क लेना तू, सुन ले मेरे बंधु। बाल के बराबर ये दुनिया, पीने के बाद। Heaven comes down in slow motion, पीने के बाद, पीने के बाद। ये सभी बना के लंबा लकड़ी का पुल, तेरे को भुला के करेगा छवि को ये गुल। छूटा मो पीने के बाद, पीने के बाद। अर्ज है पीने वालों का आजकल पुलिस से प्रॉब्लम, गली ही गली में घुस घुस के पकड़ रहे हैं ड्रंक एंड ड्राइव में। यारो सुन लो, पीने के बाद, पीने के बाद। हो जाता इश्क में बंदा क्रिकेट की बॉल, पी के फिर खुन्नस अपना पूरा निकाल। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, पीने के बाद, पीने के बाद।
पार्टी बदलो ठोको डायलॉग पीने के बाद इसमें घाटा हरदम इसमें काटा हरदम इसमें काटा हरदम इसमें घाटा हरदम घाटा 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 है पूरा पीने के बाद पीने के बाद पीने के बाद फोक डांस और स्नेक डांस भी पीने के बाद 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 यही चाहिए क्या? हाँ भाई, इधर तो कोई दिख नहीं रहा है। भाई, दिस इज वास्को डी गामा अल्बर्ट। किधर हो रहे तुम लोग? तुमसे एक बात पूछने का है। इतना गुस्सा काहे को हो रहा है? अपने भाई के लिए या पैसों के लिए? दोनों। ना तुम्हारा भाई और ना तुम्हारा पैसा कुछ नहीं लौटा सकता। अभी अपुन तेरे पे एक एहसान कर रहा है, तेरे को आज जिंदा छोड़ के। अपने को भूल जाओ और अपना काम करो। मेरा काम है तेरे को मारने का है। सैमसंग भाई, एक बार अपुन के बॉस रोड्रिगेस की फोटो उतार के देखो। वो फोटो निकाल। अपुन 30 सेकंड में तेरा कहानी खत्म कर सकता है, लेकिन अपन ऐसा नहीं करेगा। प्लीज टेक मी सीरियसली, अपने रास्ते में मत आना वरना उड़ा दूंगा। ये भागो, अरे भागो, चलो भागो, चलो चलो। हे, पकड़ो उसे। हे, पोस्टर क्यों फाड़ रहे हो? हे हे हे, भागो भागो। हे, इधर आओ। अब बोलो, पोस्टर क्यों फाड़ रहे थे तुम? उसकी नानी को हम अच्छे से जानते हैं, उन्होंने हमारे लिए घर स्कूल बना कर दिया। नाम क्या उसका? मैरी। वो मैरी माता कहाँ होगी अभी? मैरी फाउंडेशन। ये मेरी फाउंडेशन है या मेरी प्रिंटिंग प्रेस? फाउंडेशन ही है। कहाँ से आई है? क्राउड फंडिंग। मेरी मैडम ने दिया है। मेरी कहाँ है? मेरी मैडम तो एक जगह नहीं बैठती है, यहाँ वहाँ भटकती रहती है, अभी पता नहीं कहाँ होंगी। सब कुछ सीज कर दो। नहीं मैडम, आप ये पैसे लेकर चली जाएंगी तो हमें अपना घर नहीं मिलेगा। नहीं मैडम। घर कहाँ? घर कहाँ है बताओ? वो तो डर के मारे मैंने गलती से ये सब बोल दिया मैडम, छोड़ दीजिए मैडम। अब तक हम लोग 15 घर बदल चुके हैं, अब और कितने दिन ऐसे ही हमें भटकना पड़ेगा बताओ जरा। अब तू जल्दी से शादी कर ले। हाँ, डिपार्टमेंट ऐसा होने ही नहीं देगा। रम्या को इसी ले लाए, अब वो आ गई है तो वही अपन की शादी करवाएगी। अरे लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ में ये पुलिस वाले बीच में क्यों आ रहे हैं? मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा।
मेरी फाउंडेशन का ये कंस्ट्रक्शन बंद करो अभी के अभी। कल से काम पे किसी को नहीं आना है। जॉन, मैडम, इन सब मजदूरों को यहाँ से भेज दो। हम कूली नहीं है मैडम, ये हमारा घर है। हम बड़ी मेहनत से यहाँ काम कर रहे हैं। कभी बारिश में घर गिर जाएगा सोचकर डरते रहते हैं। हमारे पास आपके जैसे रहने के लिए घर नहीं है मैडम। हम सब लोग गरीब हैं मैडम। गरीबों के पास अचानक से इतना पैसा कहाँ से आ गया? वास्को डी गामा कहाँ है? वास्को डी गामा कौन है ये पता भी है आपको या नहीं? वास्को डी गामा कौन है ये पता भी है या नहीं? पता है मैडम, पता है। अलेक्जेंडर का बेटा है। आज से 10 साल पहले जब तूफान आया था तो मेरा घर गिर गया था। मेरा पति भी मर गया और फिर 2 बच्चों के साथ मैं अकेली थी। इस लड़के को मैंने जन्म नहीं दिया, पर इस 10 साल के बच्चे ने मुझसे आकर ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा। माँ, हम एक दिन नया घर बनाएंगे। वो ये पैसे चाहे जहां से भी लेकर आए, लेकिन जो कर रहा है वो हमारे लिए कर रहा है। हमारा, हम सब का बेटा है वो। हमें नहीं पता वो क्या गलत कर रहा है, लेकिन हमारे लिए घर बना रहा है। उसका नाम है वास्को डी गामा। उसके बारे में हम यही जानते हैं, पर आप क्या जानती हैं वो हम नहीं जानते। मैं एक और तरह से जानती हूँ। कहाँ है वो? तुम्हें मारा है ना? हाँ, जॉन ने एक बार मारा, कैथरीन ने 4 बार मारा। वो और भी मारते तो अच्छा होता ऐसा सोचा था। वो क्यों? वो जब मार रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आ रहा था। अपुन क्यों पसंद है? मैडनेस। हाँ, अपुन मैड है। इफ यू आर मैड, आई एम योर डैड। तो अपना मैडनेस दिखा। ये बस है, यहाँ सब लोग हैं। अपने को तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। तुम मेरी नजरों से देखो, हमारे सिवा कोई नहीं दिखाई देगा। पेपर में पढ़ा था महाराष्ट्र में सबको खत्म किया रम्या गोवारीकर ने। मुंबई के सारे गैंगस्टर को उड़ा दिया तो अपने आप को हीरो समझती है। देख के अच्छा लगा कि अब भी एक दो ईमानदार पुलिस ऑफिसर बचे हैं। मैडम, मुझे ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स बहुत पसंद है। बट आई हेट गैंगस्टर्स लाइक यू। गन्स डाउन, गन्स डाउन। कोई भी नहीं बचेगा यहाँ पर। आप भी नहीं बचेंगे। सब गोली चलाने के लिए रेडी हो जाओ। जरा सोचो मैडम। क्या सोचते हो पुलिस वालों के बारे में तुम? ड्यूटी इज माय रिलीजन। मैडम, आपको बहुत काम करने हैं। शूट आउट में मर के कोई फायदा नहीं। नहीं छोड़ूंगी तुझे। मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम, शूट मत करना मैडम। क्रॉस फायरिंग में सब मर जाएंगे मैडम, प्लीज मैडम। मोनिका, यहाँ मोनिका। कितनी बार तुझे समझाया लेकिन तू बदला नहीं, और अब तूने उसे भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया। मैडम, 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 मोनिका इधर आओ। जॉन, मोनिका चलो, यही रहो। मैडम, जॉन, मैडम प्लीज, जॉन प्लीज, मैडम प्लीज, मैडम प्लीज, मैडम मैडम चलो, प्लीज मैडम, मैडम चलो, प्लीज मैडम चलो, मैडम मोनिका चलो, चलो चलो मैडम, चलो चलो मैडम, चलो यहां से मैडम, प्लीज प्लीज मैडम। Idiot! आज नहीं तो किसी ना किसी दिन पुलिस उसको पक्का मार डालेगी। ऐसे आदमी से तुम क्या चाहती हो? मार दिया तो क्या करूंगी?
मारा नहीं तो फिर करूंगी। शादी करोगी क्या? बताओ, जवाब दो मुझे। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर तुम्हें उससे क्या एक्सपेक्टेशन है, बता सकती हो मुझे? नथिंग, मेरा कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, उसे मैं पसंद करती हूँ। मुंह बंद करो, चुप हो जाओ। हमारी फीलिंग्स तुम्हें क्या पता है? जैसा हमारे साथ हो रहा वैसा अगर तुम्हारे साथ हुआ तब पता चलेगा। कल से तुम्हारा बाहर जाना बंद, उसके साथ बात करना भी बंद। बाहर जाना हो तो पुलिस की सुरक्षा में जाओगी। इडियट। हे प्रभु, हमारी इस प्रॉब्लम को अब जल्दी से खत्म करो प्रभु, हमें एक घर दे दो। आमीन। अपने प्रभु से बोलो तुम्हारे पोते को ताकत दे कि उस लड़की को भूल पाए। उसके पीछे पागलों की तरह घूम रहा है आपका ये पोता। उस लड़की को लेकर घर आ जा, मैं सब देख लूंगी। लेकर आता हूँ नानी। ये अगर उसको यहाँ लेकर आएगा तो उसके पीछे पुलिस भी आएगी, तुम्हारे पोते को शूट करेगी। ए, क्या बात कर रही है, मेरे पोते को पुलिस वाले क्यों मारेंगे? ओ नानी, तुम सच में पागल हो क्या? हाँ, या फिर ना समझ बनने की एक्टिंग करती हो? तुम्हें पता नहीं है क्या कि वो क्या करता है, ये लोग क्या करते हैं और मैं क्या करती हूँ यहाँ? तू इधर आ, बताना हम लोग क्या करते हैं, बताना। तू बोल हम क्या करते हैं, बोल। क्या कर रही है? हम सब गैंगस्टर्स हैं। पैसे के लिए लोगों को मारते हैं और यही हमारा धंधा है। नहीं। उस लड़की के साथ घूमना गलत है, बोलो इसे, वरना ये मर जाएगा। ये चीको जब लड़की के चक्कर में पड़ा था तब इसे बेल्ट से इसी ने मारा था। वो करे तो सही और बाकी सब करे तो गलत कैसे? हाँ, हम सब गलत है और वो सही है। ले चीको, उस दिन तेरी जान बचाने के लिए तेरे को मारा था, आज तेरे को अपने को बचाने का है। मार अपुन को। नहीं बे। बोला ना मार। मैं नहीं मारूंगा। मार। मैं मारूंगी तुझे। हाँ मार। एनी। मार। एनी, मत मार। रुक जा। नानी रुको। आप रुक जाइए। कमीने, बोल कमीने, छोड़ेगा कि नहीं उसको, बोल कि उसको भूल जाएगा, बोल, भूलेगा कि नहीं, भूल जाएगा कि नहीं। और मार। लड़की को भूलेगा कि नहीं, चल बोल। किसी को बताया नहीं लेकिन अपने दिल में एक बात है, आज तेरे को बताएगा। मोनिका के बिना अपुन नहीं जी सकता। आज वास्को का जन्मदिन है, वो कैसे भी करके तुमसे मिलना चाहता है, इस एड्रेस पर जाकर मिल लो। फिर ये पुलिस? पुलिस को मैं देख लूंगा, तुम चर्च के पीछे के रास्ते से निकल जाओ। वास्को कहाँ है? Oh,
आज अपुन का बर्थडे नहीं है। फिर वो लड़के ने ऐसा क्यों कहा? किसने? चर्च में। ये तो पुलिस ट्रैप है। रम्या! निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। एनी, दादी को लेकर जाओ अपने यहाँ से, जल्दी जाओ। Hold the gun. Fire! इतनी फायरिंग हो रही थी और तूने उसको पकड़ के रखा था। आपको देख के ही मैं समझ गया लंबा अंदर जाऊंगा, इसलिए आखिरी बार गले लगा। इतना पसंद करते हो उसे? तुम जैसे लोग भी इस तरह प्यार कर सकते हैं समझ में नहीं आता। आपको लगा अपन प्यार करता है? अपन ने प्यार नहीं किया मैडम। क्यों? प्यार कमजोर कर देता है। प्यार मतलब दर्द। आपने प्यार में लड़कियों को रोते देखा होगा, लेकिन लड़के भी बहुत रोते हैं और मुझे रोना पसंद नहीं। तो प्यार व्यार कह के डराइए मत। प्यार का मतलब डर होता है क्या? गरीबों के लिए इतना कर रहे हो, वो प्यार नहीं है क्या? मैडम, देश से प्यार करना अलग होता है, लड़की से प्यार करना अलग। आई लव इंडिया कहने में कुछ नहीं जाता। आई लव यू बोल दिया तो कहानी खत्म। वास्को से मिलने दीजिए। क्यों मिलना चाहती हो उससे? वो प्यार नहीं करता तुमसे। मुझे पता है, मैं भी उससे प्यार नहीं करती। जब प्यार नहीं करते तो क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग। हमें छोड़ दीजिए, मैं यही रहूंगी। जॉन, तुम सब लोग घर जाओ, रात को इसको यहीं रहने दो, तब पता चलेगा इसे। कैथी, चलो कैथी। बहुत से लोग वासना को लव कहते हैं, लेकिन ये दोनों प्यार में है फिर भी वासना नहीं है। इन दोनों का दिल एक ही है, उनकी सोच भी एक है। बोथ आर मैड, मैडली इन लव। तूने ऐसा क्यों किया बेटा? वो लड़की तुमसे मिलने के लिए रात भर से बाहर ही खड़ी है। अच्छे परिवार को तुमने रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है? वास्को कह रहा है कि अगर मुझे मोनिका से नहीं मिलवाया तो कांस्टेबल को मार दूंगा। ठीक है, मैं आ रही हूं। ठीक है मैडम। Thank you.
मैम। आइए मैडम आइए, बहुत मारा इन लोगों ने। आजकल आपकी पुलिस भी बहुत रोमांटिक हो रही है। मेरे कहने पर छोड़ा गया था तुम्हें, नहीं तो सॉलिटरी सेल में डाल देते, समझे? मोनिका कहाँ है मैडम? क्या बात करनी है मोनिका से? ऐसी कौन सी बात है जो इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया तुमने? मैडम अपने दिल में क्या है, अपन आपके सामने बोल देगा तो थोड़ा ऑड लगेगा। वैसे भी ये लास्ट मीटिंग, एक बार बुलाइए प्लीज। मोनिका, रात भर रोई थी क्या? इन्होंने कहा कि तुम्हें मौत की सजा होगी, ये सच है क्या? नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा उम्र क्या था। तुम क्या कोई जज हो, सब पहले ही बता रहे हो उसे? इस महीने मुझे कोर्ट लेकर जाएंगे, जज ने अगर दया दिखाई, 2-3 साल की सजा सुनाई तो चुपचाप पड़ा रहूंगा। उम्र कैद की सजा सुनाई तो 24 घंटों के अंदर तुम्हारे पास रहूंगा। कैसे रहोगे? जेल की दीवार कूदूंगा, जो करना है अभी करना है, ये प्यार और मौका फिर नहीं आएगा। 2-3 साल दोनों मैनेज कर सकते हैं, 14 साल के लिए अंदर गया है तो ना तुम्हें इंटरेस्ट रहेगा ना मुझे। देखते हैं क्या सजा देते हैं, फिर फैसला करेंगे। जो भी करना है अभी करना है, ये प्यार और ये मौका फिर नहीं आएगा। खुशी खुशी अपनी भाभी के साथ मिलकर प्रोग्राम्स कर रही है, जेल में वास्को भी खुश है। हर रविवार को उसकी नानी चर्च में सबको पैसे देती है, किसी को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे थी। 1 महीने के बाद कोर्ट का जजमेंट आया, वास्को को लाइफ सेंटेंस हुआ था। लेकिन एक बात का शक था कि वो जेल से भागने के लिए ट्राई करेगा। मैडम वो भागने की कोशिश कर रहा था, हमने उसे पकड़ करके सॉलिटरी सेल में डाल दिया मैडम। गुड, अगर उम्र कैद हो गई तो 24 घंटों के अंदर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सॉलिटरी सेल कहाँ है? मैडम यह एक बहुत बड़ा होल है। जिंदगी में एक ही टनल बनाया जो ये है। इट्स अ लॉन्ग 1 किलोमीटर टनल फ्रॉम अगोडा सेंट्रल जेल टू कैटल शेड। ये बहुत पहले ही बना दिया था उसने, क्योंकि अगर वो कभी भी अरेस्ट होता तो उसे सेंट्रल जेल में ही रखा जाता, बिल्कुल इसी टनल के पास सॉलिटरी सेल के नीचे। वो जब चाहे तब गलती करके सॉलिटरी सेल में जा सकता था। Idiot, mastermind.
पूरी गैंग ने पुलिस ड्रेस पहनकर पुलिस गाड़ी में घूमकर डिपार्टमेंट में सबको कंफ्यूज कर दिया। टनल है क्या? वो भी जेल में? वो पक्का पुलिस वालों को नहीं मिलेगा, मिलेगा तो हमको ही मिलना चाहिए। किधर किधर पैसा छुपा लाए उसको ही पता है। पूरे गोवा में नाकाबंदी कर दो, सारे चेक पोस्ट को इन्फॉर्म करो। ए, उस तरफ से पुलिस आ रही है। हमारे शिप के नीचे सारे पैसे छुपाए हुए थे, सारे बॉक्स व्हीकल में शिफ्ट किए जा रहे हैं। सब लोग पुलिस यूनिफॉर्म में हैं भाई, और सारे व्हीकल्स भी पुलिस व्हीकल्स हैं भाई। जॉन। यस मैडम। वास्को जेल से भाग चुका है। क्या? तुम्हारी बहन कहाँ है? वो मेरे सामने ही है। उसको वहीं पर रखो, मैं वहां आ रही हूँ। ओके मैडम। ओके। मोनिका, 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 मोनिका भाग रही है मैडम। फॉलो करो उसे। ए, वो दोनों गाड़ियां साइड में लो, सारा पैसा घर में छुपा, घर का कंस्ट्रक्शन रुकना नहीं चाहिए। वास्को कहाँ है? कहाँ जा रही हो बेटी? जॉन। यस मैडम। ट्रैक मोनिकास मोबाइल इमीडिएटली एंड फाइंड हर लोकेशन। तेरी फ्रेंड और तेरी गर्लफ्रेंड दोनों मेरे पास ही रहे, पहले किसको मारूं बोल? तेरी फ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, फ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, फ्रेंड को? आई थिंक गर्लफ्रेंड ला मार दो। छोड़ दो।
सरेंडर हो जाओ वास्को। Vasco, listen to me. Vasco, Vasco, gun down, gun down. Otherwise, I'll shoot you. Kolo. Vasco, Monica, stop it. Monica, listen to me. Monica. Surrender कर दो, मेरी बात मानो. Hey. Vasco, मेरी बात सुनो Vasco. Monica. Vasco. जल्दी करो. Gun down, gun down. Kolo. Gun down. Hey Vasco. जल्दी करो. Surrender कर दो. गोली मार दूँगा. मेरी बात मानो. Otherwise, I'll shoot you. Hey. मंजूर नहीं है, अगर अपन जेल गया तो फिर वापस बाहर नहीं आएगा। रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैडम, हम दोनों का पीछा छोड़ दीजिए। सुनो, सरेंडर करोगे तो जेल में जिंदा रहोगे। मैडम, इसके बिना आपको नहीं जी पाएगा, नहीं जी पाएगा इसके बिना। मैडम, आपको कितना पैसा चाहिए बोलिए मैडम, अपुन देगा आपको। अपुन बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने को जाने दीजिए मैडम। Vasco, it's over. No, it's not over. Yes, it's over, Vasco. No, it's not over. जरूरत पड़ी तो आप सबको मार के उसको लेके जाऊंगा। hey, पागल हो गए हो क्या? पागल हो गया। Monica, stop it. उसको तुम समझाओ। हमें छोड़ दीजिए मैडम। hey! तू पागल हो गई है क्या? ये ऑलरेडी क्रिमिनल है, उसको छोड़ो और आ जाओ। वो पागल हो चुका है, तुम आ जाओ मोनिका। लिसन टू हिम। नो, खुल गया, खुल गया, खुल गया। ओपन कर, ओपन कर। ए, ए, पीछे हटो। ए, मोनिका, मोनिका, आगे नहीं आएगा। स्टॉप इट राइट नाउ। मोनिका, मोनिका, रुक जाओ, रुक जाओ। स्टॉप इट राइट नाउ। मोनिका, रुक जाओ। मेरी बात मानो मोनिका। मैडम, मैडम, प्लीज मैडम, आप गोली नहीं चलाइएगा, मैं समझाता हूँ मैडम। hey! मोनिका, hey, मोनिका, क्या हुआ? क्या हुआ? It's locked. It's locked. I think I'm in love with you. I'm in love with you, Vasco. ये अपुन का लास्ट वार्निंग है, हमको छोड़ देंगे या शूट करेंगे। शूट करेंगे मैडम, अपुन का एक ही उसूल है, कर लो या मर लो। अपुन शूट कर देगा तो करो। एक, दो, तीन। आ, 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 आ,
वास्को! Why the hell didn't you fire? अपुन के पापा एक बात बोलते थे मैडम। बेटा, duty is my religion. क्या सोच रखा है तुमने पुलिस के बारे में? Duty is my religion. आपने अपने पापा को देखा मैडम, इसीलिए शूट नहीं कर सका आप। रुक जाओ। ना नहीं, ना नहीं, इधर मत आना। अपने पोते को मरते हुए देख सकती हो क्या? मैं नहीं देख पाऊंगी। तो इधर मत आना ना। उसको नहीं देख पाऊंगी। इधर मत आना। नहीं। वास्को, आर यू डाइंग? तुम चली जाओ। वास्को, आर यू डाइंग? चली जाओ मोनिका। वास्को, उसकी नानी जितना रोई थी, मैं भी उतना ही रोई थी, क्योंकि वो लड़की उसके लिए मर गई और वो एक पुलिस ऑफिसर के लिए मर गया। उस जैसे इंसान हमारे डिपार्टमेंट में क्यों नहीं है, यही सोचकर रो रही थी। लाइफ में बहुत क्रिमिनल्स को देखा है मैंने, बट आई हैव नेवर सीन एन इंटेंस गाय लाइक हिम। नो डाउट ही इज रूथलेस, बट उसका वो कैरेक्टर है। कल न्यूज़पेपर में एंड ऑफ गैंगस्टर ये हेडलाइन होगी, बट आई बिलीव इट्स द एंड ऑफ अ ग्रेट लव स्टोरी।